हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। क्या आपने हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया? अगर नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको एक कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग, जिसमें एंगुलर का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही हम आपको लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट sahosoft.com पर जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जल्दी क्लिक कीजिए और अपना बैच चूज कीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट अवेलेबल है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि NG4 के साथ ट्रैक बाई कैसे यूज करते हैं, मींस कि हमारे पास जब बल्क में डेटा आता है उसको बाइंड करना होता है हमारे पेज पर, तो हमारा जो परफॉर्मेंस इशू होता है एप्लीकेशन का, तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं ट्रैक बाई यूज करके, राइट। उसको हमने डिटेल्स में और प्रोग्रामिंग करके देखा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको विजिट कर लीजिए, क्योंकि आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, आज हम ग्रुपिंग की बात करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, मीन्स कि हम NG4 में जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास ऐसा सिनेरियो बनता है कि हमें डेटा को ग्रुप में डिस्प्ले कराना होता है। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास कंट्री का डेटा आया, तो एक एक कंट्री का सारे जो पर्सन है उसको ग्रुप वाइज हमें बाइंड कराना हो अपने एप्लीकेशन के पेज पर, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो इस कंसेप्ट को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो चलिए डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट पर ही चलेंगे, वहाँ पर इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हम ग्रुपिंग में डेटा को डिस्प्ले करते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट जहाँ पर हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो एक डेटा बनाते हैं कि कंट्री के डेटा बनाएंगे, उसमें उनके कुछ पीपल्स का नेम लिखेंगे, उसको हम बाइंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर अभी तो वेब एपीआई या कोई सर्विस यूज कर नहीं रहे हैं, तो हमें अपना यहाँ पर स्टैटिक डेटा बनाना होगा। तो भी आप सीख लीजिए कि डेटा हम बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हम कोई एरे बनाते हैं, उस एरे को कैसे हम बाइंड करेंगे एचटीएमएल पेज पर, तो चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, राइट। जब आगे आने वाले वीडियोज में दोस्तों हम सर्विस बनाना भी देखेंगे, वेब एपीआई यूज करना भी देखेंगे, जो रेस्ट एपीआई होता है उसको भी हम यूज करना देखेंगे, राइट। तो दोस्तों, चलिए एक डेटा बनाते हैं हम कि कंट्री डिटेल्स नाम से, राइट, कंट्री डिटेल्स, राइट। और इसको दोस्तों हम क्या करते हैं कि एनी टाइप के बना लेते हैं, क्योंकि एनी टाइप में दोस्तों हम किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हैं, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है इस वीडियो सीरीज में, राइट। तो दोस्तों, हम इसमें क्या करें, कुछ डेटा बनाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कंट्री ले लेते हैं, राइट। और कंट्री में हमने लाल डाल दिया, पहला तो हमने बना लिया इंडिया, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम कि यहाँ पर फिर पीपल बनाएंगे, यहाँ पर हम कॉमा लगा लेते हैं इंड में, राइट। उसके बाद हम लिख लेते हैं पर्सन या पीपल जो भी, राइट। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एक एरे बना लेते हैं, राइट। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि हम कुछ नेम रख लेते हैं, कुछ पीपल्स के, यहाँ पर मानो दोस्तों का हमने लिख लिया नेम, और पहला नेम हमने रख लिया अजीत कुमार, राइट। उसके बाद हमने एक और डेटा बनाया, यहाँ पर रख लिया हमने नेम नेम रख लिया हमने चंदन सिंह। उसके बाद दोस्तों हमने एक और डेटा बना लिया, और यहाँ पर हम लिख लिया नेम, राइट। और यहाँ पर हमने कोई भी नेम ले सकते हैं अपने मर्जी से, यहाँ पर हमने लिख लिया मोहन सिंह, राइट। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं, एक और कंट्री का डेटा बना लेते हैं यहाँ पर, राइट। कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम बचेगा, यहाँ पर हमने एक और कंट्री का डेटा बना लिया, और यहाँ पर हमने लिख लिया दोस्तों यूके, अपने मर्जी से कोई भी रख सकते हैं।
और यहाँ पर दोस्तों नेम में हम कुछ चेंजेज ला देते हैं ताकि समझ में आए। राइट, हमने मान लो दोस्तों ABC रख दिया, या फिर हमने यहाँ पर XYZ, अपने मर्जी से आप दोस्तों किसी का भी नेम लिख सकते हैं। राइट, एज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर। राइट, तो दोस्तों हमारे पास डेटा बन गया। अब इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हमें, आप देख रहे हैं कि एक एक कंट्री का हमने तीन तीन पीपल का नाम रख रखा है। राइट, अब इसको हम यूज करेंगे, बाइंड करेंगे कंट्री वाइज डेटा। राइट, तो हम चलेंगे HTML पर। दोस्तों हम यहाँ पर दो फॉर NG4 का यूज करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका चेंज कर लेते हैं कि ग्रुपिंग, ताकि आपको जब रन करें तो दिखाई दे कि हम किस चीज पर वर्क कर रहे हैं। राइट, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हम यहाँ पर UL लेंगे, अन ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस UL में NG4 लगाएंगे। राइट, NG F कैपिटल होगा दोस्तों, आप इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट, और यहाँ पर दोस्तों एक हम लेते हैं वेरिएबल ऑफ, यहाँ पर दोस्तों आप ग्रुप हमने वेरिएबल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम यहाँ पर कौन सा डेटा डालेंगे, इसका हम डेटा इसमें डालेंगे दोस्तों, इसको बाइंड करने के लिए। राइट, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर LI में बाइंड करेंगे, LI के अंदर। राइट, और यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों इंटरपोलेशन के अंदर। राइट, यहाँ पर हम बाइंड कर लेंगे ग्रुप डॉट कंट्री। राइट, तो यहाँ पर कंट्री बाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम एक और UL लेंगे दोस्तों। राइट, उसके UL के बाद हम एक LI लेंगे, और इस LI में दोस्तों हम क्या करेंगे, बाइंड करेंगे LI के अंदर। राइट, यहाँ पर हम NG4 लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम नेम बाइंड करेंगे। राइट, NG F कैपिटल NG4 इक्वल टू। राइट, लेट, यहाँ पर आप ध्यान देना दोस्तों, हम अब जो एक ग्रुप बन गया है, इसके जो अंदर जो पीपल है उसके ID को हम बाइंड करेंगे यहाँ पर, उसके नेम को बाइंड करेंगे। राइट, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर पर्सन, राइट, पर्सन ऑफ, यहाँ पर देखो दोस्तों ग्रुप, ग्रुप क्योंकि ग्रुप हमने बाइंड कर रखा है, डॉट पीपल। राइट, ये जो पीपल हमारा यहाँ से आ रहा है दोस्तों, मीन्स कि हमने इसका जो ID बना रखा है, हमने ग्रुप में हम डाल रहे हैं वेरिएबल, उसके अंदर जो पीपल आ रहा है इसके नेम को बाइंड करेंगे। राइट, तो यही हमने किया दोस्तों, यहाँ पर हमने ग्रुप कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटरपोलेशन के थ्रू हम बाइंड कर देंगे यहाँ पर क्या, पर्सन, पर्सन डॉट नेम। राइट, तो अब इसको जैसे ही रन कराएंगे दोस्तों, तो हमारा डिस्प्ले कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप, आपको समझ में तो आ ही गया होगा हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने यहाँ डेटा बनाया दोस्तों, और इस डेटा को हमने क्या किया कि पहले कंट्री को बाइंड किया, और इस कंट्री का जो वेरिएबल बन रहा है उससे हम पीपल को निकाल रहे हैं, कि मीन्स जो कंट्री यहाँ बाइंड हो रहा है उसी के पर्सन आएंगे यहाँ पर। राइट, दो फॉर लूप लगाया हमने NG4 का। उसके बाद दोस्तों हमने सेव किया। चलिए ब्राउजर में देखते हैं इसका इफेक्ट कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेटा बाइंड हो चुका है यहाँ पर, वेलकम टू सॉस ऑफ सॉल्यूशन ग्रुपिंग बाई एग्जाम्पल। राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का तीन नेम यहाँ बाइंड हो गया अलग से ग्रुप में, और EQ का तीन नेम बाइंड हो गया अलग से ग्रुप में। राइट, मीन्स कि हमारा एग्जाम्पल सही चल रहा है। राइट, उस दोस्तों फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं। एक बार आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा कोड है। अगर दोस्तों इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ID शेयर करेंगे, तो हम इसका कोड भी भेज देंगे आपको। राइट, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे, हमने यहाँ पर डेटा बनाया। राइट, यहाँ पर हमने कंट्री वाइज डेटा बना लिया, और इस कंट्री वाइज को हम ग्रुप में दो फॉर लूप को यूज करके हमने ग्रुप में बाइंड कर दिया। राइट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे NG स्टाइल के साथ, मीन्स कि NG स्टाइल कैसे यूज करते हैं एंगुलर 7 के अंदर। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप डिजाइनिंग पर्पज से या किसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के पर्पज से देखते हैं, या फिर इंटरव्यू के पर्पज देखते हैं, तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप अच्छे से देखिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे NG स्टाइल का कंसेप्ट क्या होता है एंगुलर 7 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।